सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू डे। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला कि आप किस तरह से स्मूथ वाली स्किन ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज, इसको शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, एंड आपको मैं इसमें जो है पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह से जो है स्मूथ वाली स्किन ड्रॉ कर सकते हो एंड आप किस तरह से जो है हेयर को रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले आपको मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर लेना है, सबसे पहले आपको शेडिंग कर लेनी है, एंड आपको अपने रेफरेंस स्केच के अकॉर्डिंग जो है जहाँ पर डेप्थ एरियाज एंड डार्क एरियाज है उन सबको जो है लेयर बाई लेयर ड्रॉ कर लेना है, या फिर आपको जो है डार्क पेंसिल का यूज़ कर लेना है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी अदर पेंसिल का यूज़ करोगे तो जो है आप मतलब वो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल जो होती है मीडियम टाइप की जो है लाइट पेंसिल होती है। जैसे कि अगर आप HB का यूज़ करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, एंड 2B को यूज करोगे तो वो कुछ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डार्क। लेकिन जो है आप अगर मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करोगे तो ये HB से थोड़ा सा ज़्यादा एंड 2B से थोड़ा सा कम लाइट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बेस्ट वाला है। मतलब इससे आप जो है स्किन ड्रॉ कर सकते हो। एंड जो है गाइस, मैं इसमें जो है सबसे पहले जहाँ पे अपने रेफरेंस स्केच के अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे डेप्थ एरियाज एंड हाईलाइट्स एंड मतलब एक्सेट्रा जो कुछ भी है वो सब कुछ ड्रॉ कर लूँगा इसमें मैकेनिकल पेंसिल से जो है इसमें डिटेलिंग पूरे कर लूँगा। तो गाइस, इसमें सबसे पहले मैं पूरे फेस में जो है शेडिंग कर लूँगा एंड छोटी से छोटी डिटेलिंग्स यानी कि जो कुछ भी इसमें वो सब कुछ ड्रॉ करूँगा, क्योंकि इनके फेस में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक शेडिंग है, थोड़ी सी दाढ़ी है एंड ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है जल्दी से इसको कर लेता हूँ, एंड इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं इसमें दाढ़ी जो है काफ़ी मतलब थोड़ी सी मतलब छोटी छोटी दाढ़ी है, तो कोई सेंस है इस बात की? तो इसको काफ़ी मतलब आराम से बना रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब दाढ़ी बनाने में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी होगी तो अजीब सा लगने लगता है, वियर्ड सा लगता है काफ़ी। तो इसको मैंने काफ़ी आराम से ड्रॉ किया, तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें पूरे फेस में जो है शेडिंग कर लिया। एंड अब बारी है हेयर की। तो गाइस, आप हेयर रियलिस्टिक ड्रॉ तभी कर पाओगे जब आप अपने हेयर की जो है थोड़ी सी भी मतलब अपने आपको हिंट दे दोगे कि जिस डायरेक्शन में जो है हेयर है उस डायरेक्शन में आप जो है आउटलाइंस ड्रॉ कर लेना हेयर की। एंड उसके बाद जो आप उसको ड्रॉ करोगे ना, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी, हालांकि आपको जो है उसकी मतलब आउटलाइन ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, बट कोई बात नहीं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ये ड्राइंग आप ही के पास रहने वाला है। अच्छा, तो आपको जो है काफ़ी आराम से एंड पेशेंस से ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो मैं काफ़ी जो है आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप मेरी एक्चुअल स्पीड एंड मेरी जो स्पीड वाली स्पीड है मतलब स्पीड की हुई स्पीड है, ठीक है? अरे कहना क्या चाहते हो, काफी मतलब ज्यादा फास्ट है। तो आप इसमें देख पा रहे हो मैं इसमें जो अभी तो पूरा जो है सेटिंग कर लेता हूँ। एंड गाइस, आप देख पा रहे होंगे मैंने पेंसिल को जो है काफी ऊपर से पकड़ा है, क्योंकि अगर आप ऊपर से पकड़ोगे तो इसमें जो है काफी कंप्रेसर का भी यूज होगा एंड जो है अच्छे से आपकी सेटिंग भी हो जाएगी एंड आपके स्ट्रोक जो है काफी कम दिखेंगे। तो गाइस, अभी आप पीयूष की बारी है, तो अभी इसमें जो है हल्के से मतलब एकदम पेशेंस जो है इसमें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड इसमें भी सेम मैंने सेम वाली सेम वाली जो है ट्री मतलब अप्लाई कर लेना है, सेम जो कुछ भी उसमें करना था वो इसमें भी कर लेना है उसी टाइप से। तो इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं एंड पूरी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। तो उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से जो आप अच्छे से हेयर ड्रॉ कर सकते हो रियलिस्टिक एंड फेस मतलब कतई तबाही वाली, ठीक है? मतलब तबाही तो हाँ, तबाही मीडियम तबाही बोल सकते हो। तो भाई इसमें भी सेम मतलब वही करूँगा मैं, जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में जो है हेयर को हेयर के जो है आउटलाइंस को ड्रॉ कर लूँगा। तो अभी सबसे पहले जो है इसकी जो मतलब जितना भी इसमें है वो सब कुछ अभी सेटिंग कर लेता हूँ पूरा मैं, तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते नहीं अभी बताता हूँ, मतलब थोड़ी देर रुको जरा सबर करो। तो गाइस, अभी आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का लग रहा है एंड कुछ देर के आप देखोगे आपका कैसा लगेगा। अगर इसका मतलब थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, ठीक है? तो अब बारी है इसके अंदर की मतलब पूरा मतलब इसको ठीक करने का। तो गाइस, सबसे पहले मैंने इसमें किया ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया एंड पूरे में जो ब्लेंडिंग कर लिया। एंड उसके बाद जो है मैंने इसमें कॉटन का यूज किया मैंने इसमें जो है टिश्यू पेपर का यूज किया, ताकि मतलब जो जितने भी उसके क्या बोलते हैं उनको, रुको जरा, हाँ। तो उनके जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं वो जो है सारे मर्ज हो जाते हैं एंड जो है स्किन जो है काफ़ी स्मूथ लगती है। तो गाइस, अभी आप इसमें देख पाएंगे जो इनकी दाढ़ी है उनको ड्रॉ करने के लिए मैं इसमें अभी डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आर लाइन का 10B
10V का यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे अभी मैं इसमें जो है मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे जो है इनकी दाढ़ी जो है वो काफ़ी लाइट भी, मतलब थोड़ी सी लाइट भी थी, इसलिए मैंने इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया। एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे जहाँ पर डार्क, मतलब थोड़ी सी डेप्थ एरियाज हैं, उसमें जो है मैं मैकेनिकल पेंसिल का एक दो लेयर कर ले रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है इसमें ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके जो है ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ। तो आप इस तरह से जो है एक दो लेयर बाई लेयर जो है आप शेडिंग कर सकते हो अगर आप डार्क करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप पहले से ही डार्क हो उसमें डार्क पेंसिल का यूज़ करोगे तो जो है काफ़ी वियर्ड सा लगता है एंड अच्छे नहीं लगते, मतलब कहीं पे ज़्यादा डार्क या फिर कहीं पे ज़्यादा लाइट, इस तरह का इशू आ जाता है। तो आप जो है लेयर बाई लेयर करोगे तो काफ़ी अच्छे से जो है आपकी स्किन ड्रॉ हो जाती है एंड आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भी आप बारी है हेयर को ड्रॉ करने के लिए तो इसमें मैं हेयर को ड्रॉ करने के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या चारकोल पाउडर हेयर में जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड डार्क भी होता है इसलिए भी अच्छे लगते हैं काफ़ी, मतलब इससे हेयर अच्छे लगते हैं। तो अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे मैं इसमें किस तरह से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो वर्ड सर के जो हेयर है ना उसकी ड्राइंग में, मतलब उनकी ड्राइंग, मतलब उनको ड्रॉ करने की वीडियो जो है मैं नहीं बना पाया, क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फ्यूज़ का है ना उसके भी हेयर भी मैं सेम इसी ट्रिक से बनाऊंगा एंड आप भी इस तरह से जो है रियलिस्टिक जो है हेयर ड्रॉ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार ये हेयर, मुझे काफ़ी पसंद आने लगे हैं ये। तो आप इसी तरह के जो हेयर है ना वो ड्रॉ करने के लिए आपको वीडियो देखना होगा, देखते रहना होगा मतलब, ठीक है। तो गाइस अभी आप मेरी एक्चुअल स्पीड देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअल स्पीड जो है काफ़ी स्लो है एंड मैं इसको जो है काफ़ी ऊपर से पकड़ के जो है ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इनकी डेप्थ एरियाज एंड जहाँ पे हाइलाइट्स है। तो इसको मैं, मतलब मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें चारकोल पाउडर का यूज़ करने वाला हूँ एंड मुझे पता लगे कि चारकोल पाउडर कहाँ पे कितना यूज़ करना है। जहाँ पे मैंने डार्क सेटिंग किया हुआ है वहाँ पे मैंने ज़्यादा जो है चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा एंड जहाँ पे मैंने कम सेटिंग किया वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दूंगा चारकोल पाउडर, वहाँ पे जो है खुद ही लग जाएगा अगर मैं डार्क करूँगा। तो गाइस आपको चारकोल पाउडर भी काफ़ी संभल के यूज़ करना है, क्योंकि इस चारकोल पाउडर जो है कहीं पे भी फैल सकता है। तो इसको आपको स्लोली स्लोली ड्रॉ, मतलब स्लोली स्लोली जो है आपको चारकोल पाउडर का यूज़ कर लेना है एंड काफ़ी, मतलब आराम से कर लेना है, ठीक है, पेशेंस से करना है इसको, बिल्कुल भी मतलब काफ़ी पेशेंस से करना है। एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे जो है टी शर्ट जो है काफ़ी, मतलब सही लग रही है। अगर मैं इसमें जो है पेंसिल का यूज़ करके जो है इसमें डार्क करता तो कहीं पे मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप इसमें देख पा रहे हैं काफ़ी स्मूथ सा टी शर्ट लग रहा है एंड जहाँ पे फोल्ड वगैरह वो भी काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। तो गाइस अभी आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, वर्ड सर की फेस जो है काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी अच्छी लग रही है, बल्कि फ्यूज की फेस जो है काफ़ी, मतलब अजीब, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप हाइपर रियलिस्टिक, मतलब हेयर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस आपको सबसे पहले जो है डार्क पेंसिल का यूज़ करके जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क कर लेना है सबसे पहले तो, एंड उसके बाद जो है आपको चारकोल पाउडर का यूज़ कर लेना है, जहाँ पर डार्क आपने किया था वहाँ पर जो है चारकोल पाउडर लगा लेना है एंड उसके बाद जो है आपको, मतलब पूरे में जो है चारकोल पाउडर लगा लेना है एंड उसके बाद आपको पेंसिल ले लेना है कोई भी डार्क पेंसिल कोई भी कंपनी का। एंड उसके बाद जो है आपने जहाँ पे चारकोल पाउडर डार्क वाला यूज़ किया था तो उसमें जो है आप जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में जो है स्ट्रोक ले जाना, ताकि वो हेयर टाइप के लगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से हेयर जो है, तो इससे आप काफ़ी अच्छे से हेयर लग जाते हैं। तो आप फिर उसके बाद जो है जहाँ पे हाइलाइट्स हैं, अगर हेयर पे हाइलाइट्स या फिर एक दो के हेयर मतलब सफ़ेद है तो उसको जो है आप मैकेनिकल पेंसिल इरेजर या फिर मोनोजीरो इरेजर से जो है इस तरह से इरेज कर सकते हो। तो गाइस आप इस तरह जो है काफ़ी अच्छे से जो है हेयर ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे मैं इसमें जो है जिस तरह से वॉइड सर को ड्रॉ किया था उसी तरह से जो उसको भी अभी ड्रॉ कर लेना है, जिस तरह जो भी कुछ भी उसमें अप्लाई किया था उसी, मतलब ट्रिक को जो है इसमें भी अप्लाई कर लेना है। तो आप भी इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे से एंड स्मूथ वाली स्किन जो है ड्रॉ कर सकते हो एंड आपकी भी हेयर, मतलब आप भी इस तरह से हेयर ड्रॉ कर सकते हो एंड इस तरह से जो है आप स्मूथ वाली स्किन ड्रॉ कर सकते हो। गाइस अभी इसको प्यूज को भी फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने वॉइड सर को ड्रॉ किया था उसी तरह से जो है इसको भी ड्रॉ कर लेना है।
तो भाई अभी आप देख पा रहे होंगे पहले कैसा था एंड अभी कैसा हो गया है। मैंने पूरी स्किन को जो है स्मूथ कर लिया है, जिसके आप इसमें देख पा रहे हैं जो है बिल्कुल भी स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं। तो अभी गाइस मैं इसको दोबारा से जो है इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे डेप्थ एरियाज मतलब उन सबको जो है डार्क कर ले रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा फीका लग रहा था उसको दोबारा से उसमें जो है डार्क कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद करना को मैं लाइक शेयर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।